सो गाइस बेसिकली हमारे पास आ चुकी है बीट एक्सपी की एक और वॉच जो कि है बीट एक्सपी वेगा न्यू। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास इसकी अनबॉक्सिंग करिए, तो आज आपके सामने लेके आ चुके हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है। 1800 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है बेसिकली, और 1800 में मेरे ख्याल से और कोई बजट ब्रैकेट में इस बजट ब्रैकेट में बड़ी डिस्प्ले के साथ एमोलेड डिस्प्ले के साथ कोई और वॉच नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो काफ़ी एक अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट में आती है, बट अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आती कि नहीं आती वो हम चेक करेंगे। वैसे मेरे पास एक और वॉच है, इसका भी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि मतलब आप अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे हो, मतलब सिर्फ दिखा रहे हो, शोकेस कर रहे हो, बट आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग कर दूंगा। वैसे पॉप थियरीज की भी, इसको थोड़ा सा लेट मैं करूंगा बेसिकली, ठीक है। सोच रहा हूँ 10 बजे की साइड करूँ, बट इसको आपको अभी मिल जाएगी अनबॉक्सिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए, इस तरीके के रिव्यूज़ के लिए, प्रीव्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उधर की साइड आपको टेकबुक चैनल टेलीग्राम वाला दिख रहा होगा और यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन करना, उसको फॉलो करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से एक सील मिलती है प्रॉपरली आपको इस तरीके से, इसको आपको ओपन कर लेना है। ऊपर से एक पॉली रैप बेसिकली टाइप का मिलता है, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन पे अभी भी दो कलर में मिल रही है, ब्लैक और सिल्वर शेड में, ठीक है। तो मैं दोनों ही कलर शेड्स की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रही थी ना, तो मैंने लिंक दे दी थी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। पैकिंग वैसे काफ़ी अच्छी है इसकी, मतलब बीट एक्सपी की वॉचेस की पैकिंग डेफिनेटली बेटर होती है, ठीक है। यहाँ पे ओपन कैसे होगा ये, ओके इस तरीके से मिलता है ये, यहाँ पे स्लाइड मैकेनिज्म, और गाइस एक और बॉक्स मिल जाता है अंदर, ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और इसको ओपन करते हैं, ओके तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी की गई है यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ पे ये आपको कुछ पैम्पलेट्स पेपर वर्क मिल जाता है इसमें आपको, जैसे कि यहाँ पे ये है आपका वारंटी इंफॉर्मेशन, कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं और यूज़र मैनुअल है और बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली इसमें, काफ़ी सही है। बट यहाँ पे कोई भी स्क्रीन गार्ड टेम्पर्ड कुछ नहीं मिलता इसमें, तो ये ध्यान रखना है आपको। और गाइस ये रिवॉच इटसेल्फ, तो गाइस ये मेरे को याद दिला रही है अल्ट की स्पंक प्रो की याद दिला रही है मेरे को ये बेसिकली। बट इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक करेंगे अभी, मेटल है पॉलीकार्बोनेट। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है चार्जिंग केबल बेसिकली। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और हम अपनी मेन जो है यूनिट, जो हमारी मेन यूनिट है वॉच, उस पर आते हैं। इसको रख देते हैं साइड में, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइज़ यहाँ पे ये रही वॉच इटसेल्फ, वॉच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है डेफिनेटली। यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, बीट एक्सपी की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे बकल पे। और यहाँ पे आपको ये वॉच मिलती है पॉलीकार्बोनेट की है, आपने इसे सुना, ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है इसी में कॉस्ट ट्रेडिंग की है इन्होंने, मतलब इसी वजह से बहुत ज़्यादा हल्की है गाइज़ जी। मेरे ख्याल से 34-35 ग्राम्स की होगी। यहाँ पे ये आपको मिल जाता है इधर की साइड से 1.43 है, 1.45 है, देख लेते हैं एक बार, 1.45 होगा ये गाइज़ यहाँ पे। तो गाइज़ 1.43 इंचेस की, यस 1.43, 1.45, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ आते हैं, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे क्राउन की इसका वर्किंग है कि नहीं, यहाँ पे देखो वर्किंग नहीं लग रहा है मेरे को, बट एक रिव्यू में बताया गया था उसमें वर्किंग है, अब जब सामने आती है वॉच तब पता चलता है। वैसे इसमें गाइज़ मुझे नहीं लग रहा वर्किंग होगा। यहाँ पे देख सकते हो एक एक्सेंट दिया गया है और ये आपका हार्ट रेट SpO2 का सेंसर मिल जाता है एक साइड से, और आपके लास्ट मीडियम इसके लिए काफ़ी अच्छी है, बट थिनेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। स्ट्रेट में मैं कहता हूँ थिनेस्ट वाले इससे दूर रहें इस वॉच से, ठीक है बेसिकली। और ओवरऑल तो ठीक लग रही है मेरे को। तो चलिए इसको फर्स्ट बूट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, होपफुली इसमें बैटरी हो। सो गाइस ये इसके अंदर बैटरी है और एज इट इज डिस्प्ले एकदम है, इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल। देख सकते हो यहाँ पे बीट एक्सपी वेगा या बीट एक्सपी वेगा एक्स, उसी का ही मतलब 68 का सैम्पल रेट है, सेम मतलब UI दिया गया है इस तरीके से। और इधर साइड से यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं और रोटेटेबल क्राउन नहीं है गाइस। फाइनली यहाँ पे इसमें भी कॉस्ट कटिंग की है, रोटेटेबल क्राउन नहीं है एक तो, और पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है ये है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको ये पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। नीचे एक साइड से मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो काफ़ी यहाँ पे स्मूथ वॉच मिलती है बेसिकली। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेटअप में, यहाँ पे इधर की साइड से टॉगल मेन्यू में आपको ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है वैसे इसकी। और यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो, यस वॉच में सेट कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। सेटिंग भी चल सकते हो यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। ऑडियो मोड ऑन कर सकते हो, वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो, यस गाइस आपने इसे सुना। एक लाइक तो बनता है गाइस आप सभी के लिए, इस तरीके के अपडेट्स, न्यू वीडियो, न्यू वॉचेस की वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो गाइस एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल से जाते हैं, पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो, यस कोई और नोटिफिकेशन आपके नहीं पढ़ पाएगा। और डू नॉट डिस्टर्ब मोड में जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे लैंग्वेज भी स्विच कर सकते हो। हिंदी फॉन्ट तो आई गेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई गेस मैंने देखा अभी किरा, हाँ हिंदी फॉन्ट भी सपोर्ट करती है वॉच। उसके साथ मैनी स्टाइल आपको मिल जाते हैं 5x, ओके 5 मैनी स्टाइल मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टैंड बाय डायल भी आप चूज़ कर सकते हो, डिजिटल एनालॉग आपको चूज़ करना है। और रेस्ट टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, उसी के साथ साथ AOD, यहाँ पे कितने मिनट तक ऑन रखना है। स्क्रीन ऑन टाइम आप
ऑलवेज भी रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है इसका, तो ये भी बेस्ट है। मतलब अपनी पिक को एज अ वॉच फेस रख के इसको ऑल टाइम ऑलवेज ऑन रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखो मेन्यू खुल जाता है, डबल टैप करके मेरे ख्याल से चेंज कर सकते हो, काफ़ी स्मूथ है देख सकते हो यहाँ पे। बट ये रोटेटेबल नहीं है, रोटेटेबल होता है मज़ा आता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका डिस्प्ले देख सकते हो, 68 का सैंपल रेट है ना, इसीलिए यहाँ पे ये वाला मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है, और डबल टैप करके इस तरीके से आपको ये वाला मिल जाता है, फिर डबल टैप करके यहाँ पे लिस्ट वाला टाइप का मेन्यू स्टाइल मिल जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इनफाइनाइट मेन्यू स्क्रोलिंग होगी, सेम कॉपी कर रखा है एकदम। मतलब बीट एक्सपी क्या कर रहा है, पैसे बचाने के लिए इसमें क्या किया इसने, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड दे दिया, यहाँ पे रोटेटेबल वाला बंद कर दिया है, और यहाँ पे ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट वेक नो, काम नहीं कर रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, नो गाइस काम नहीं कर रहा है। बीट एक्सपी वेगा एक्स जैसा ही इसमें मिल जाता है, स्पंक प्रो जैसा ही मिल जाता है इसमें आपको। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट वे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सारी चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे कॉल मेन्यू मिल जाता है, तो यहाँ पे अभी मैं चेक करूँगा बाद में। स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, अभी हम चेक करेंगे। रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हो, साथ में हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। हार्ट रेट कोड तो एयर चेक करते हैं एक बार। वैसे तो मेरे ख्याल से सेंसर डेडिकेटेड है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ग्रीन एक्शन का सेंसर चल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है। SP2000 मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है। ब्रीथ ट्रेनिंग मिल जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस है, उसके बाद यहाँ पे आपका अलार्म सेट कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ, ये भी काफ़ी अच्छा है। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक प्ले भी कर सकते हो वॉच में इटसेल्फ, और यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब यहाँ से फोन से इसमें टॉगल कर सकते हो। वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, कैमरा शटर मिल जाता है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, उसके बाद स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिलता है, वर्ल्ड क्लॉक यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, AI वॉइस का ऑप्शन मिलता है, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिलता है, स्टैंड बाय डायल मिल जाता है, और कैलकुलेटर मिल जाता है। बट यहाँ पे गेम्स कहीं ना कहीं मिसिंग है, गेम्स में नहीं मिलता, कैलेंडर जरूर मिल जाता है। तो ये सब चीज़ अच्छी है, बट गेम्स का ऑप्शन इसमें मिसिंग है। अब एक काम करते हैं, एप्लीकेशन से इसको पेयर करके देखते हैं किस तरीके से कैसे काम करती है। और उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं फाइनली, यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स मोड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी क्या मिलती है इस वॉच की इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको मैं वेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, 50 स्टेप चल के देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइटली स्नग रहती है हाथ में। बट गाइज ये है कि मतलब आपके लास्ट टू मीडियम इसके लिए काफ़ी अच्छी है, डायल साइज बड़ा है ना इसका, इसीलिए। सो गाइज बेसिकली मैंने यहाँ पे 80 स्टेप चले तो 84 दिखा रहे गाइज यहाँ पे, तो गाइज एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, बट यहाँ पे कह सकता हूँ ठीक ठाक कह सकते हो बस आप इसको, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, तब तक गाइज मैं आपको यहाँ पे वॉच फेस दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं इसमें आपको, 10 वॉच फेस मिल जाते हैं बेसिकली, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, बट इसमें ये प्रॉपरली हाँ सारी चीज़ें काम भी कर रही हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस खुल रहा है, तो ये ठीक है, ये मेरे को ठीक लगा गाइज डेफिनेटली। यहाँ पे विदाउट लॉगिन भी आप सीधे एंटर कर सकते हो, यहाँ पे निक नेम आपको डाल देना है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे दो चीज़ें ऑन करनी है, नोटिफिकेशन एक्सेस, और यहाँ पे ये इसको परमिशन दे देनी है, यहाँ पे लोकेशन, और आपको ब्लूटूथ ऑन रखना है, देन ओनली ये पेयर हो पाएगी, नहीं तो नहीं पेयर होगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसमें, तो गाइज ये पेयर हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली, यहाँ पे बस आपको यस करना है वॉच में, जैसे ही टॉगल मतलब वॉच में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, यस बस हो चुका है, पेयर हो चुकी है फाइनली, ठीक है। टाइम भी अपने आप सही हो जाएगा, इसको स्किप कर देते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे वॉच कनेक्टेड है ऑलरेडी, और यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस आपको अलाउ कर देने, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके वॉच में शो करेगा, ठीक है, SMS के जो भी है। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कितना यहाँ पे मैसेज आ जाता है, मतलब जब किसी का मैसेज रिसीव होगा कितना वर्ड्स का आ जाता है, तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता, अगर आपका ज़्यादा लंबा मैसेज है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ध्यान रखना है। और फॉर्मवेयर अपडेट भी आ चुका है एक बहुत ही जल्दी, यहाँ पे पेयरिंग का रिक्वेस्ट भी आ चुका है, और ये एक फॉर्मवेयर अपडेट आ चुका है, तो कन्फर्म करते हैं इसको, अपडेट कर लेते हैं एक बार, तो ये भी अच्छी बात है, मतलब एकदम से आ चुका है, और लेटेस्ट वर्जन करंट फॉर्मवेयर ये वाला है, तो इसको हम अपडेट करते हैं। सो फाइनली इसमें पैकेट जा चुका है, डाटा जा चुका है, अब ये रिस्टार्ट हो जाएगी अपने आप और पेयर हो जाएगी, ठीक है। गेम्स क्या पता है इसमें आ जाए अपडेट के बाद, आई डोंट नो, यहाँ पे हो सकता है मे बी, अब मेरे को पूरा कन्फर्म तो नहीं है, बट क्या पता कंपनी ऐड करे, नो गेम्स नहीं मिलते हैं गाइस। तो गाइस ये रही एप्लीकेशन इटसेल्फ, और यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने अलाउ कर दिए थे पहले ही। वॉच फेस गैलरी में चलते हैं, यहाँ पे वॉच फेस टर्न्स ऑफ मिल जाते हैं वैसे आपको, तब तक हम यहाँ पे कॉलिंग वाला चेक कर लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। कॉलिंग कैसा मिलता है इसमें, लाउडनेस कितनी मिलती है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी है, ये भी अच्छा है, लाउडनेस भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, सुनो यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हो और वापस वॉच में भी आप ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। और अब यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट चेक कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, इट्स 35 विद हेज, फोन में बता रहा है आपको, अगर वॉच में चाहिए तो आपको यहाँ पे टैप कर देना है, अब इसमें आएगा,
अब इसमें बता रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम एप्लीकेशन पे चलते हैं, ये रही एप्लीकेशन। यहाँ पे वॉच फेस लाइव वाले भी मिल जाते हैं और नॉर्मल वाले भी। कस्टम वॉच फेस पे आते हो, यहाँ पे कस्टम फेस चूज़ करते हो और बैकग्राउंड चूज़ करोगे आप अपनी गैलरी में से, फ़ोन गैलरी में से। तो गैस काफ़ी जल्दी लगी और क्लीन आ रही है एकदम पिक, एकदम फर्स्ट क्लास लग रही है गैस। डेफिनेटली यहाँ पे एचडी डिस्प्ले मिलती है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका भी लुक। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट वे काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है इसमें। इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आपको यस यस कर देना है और एंटी लॉस्ट रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है। अलार्म क्लॉक, यस अलार्म लगा के देखते हैं। यहाँ पे वॉच से भी लगा सकते हो, वैसे इससे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4:37 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा PM, ठीक है, डन करते हैं। अभी लग चुका है, देखते हैं यहाँ पे बजेगा अभी। उसके बाद यहाँ पे डेट वाइब्रेशन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, वंस टू टाइम थ्री टाइम आप चूज़ कर सकते हो। बैकलाइट यहाँ पे कितना रखना है वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको HR हार्ट रेट सेटिंग मिल जाता है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फोन बुक, तो गाइस बेसिकली 20 कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, बस 20 मेरे ख्याल से ठीक है। और यह देखो वाइब्रेट हो रही है, दैट्स इट वॉच, यहाँ पे रिंग नहीं कर रही है अलार्म पे, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, बहुत सारी वॉचेस में 10 ही कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे 20 कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। अब कॉल करके देखते हैं दूसरे फोन से, यहाँ पे रिंग बजता है, वाइब्रेट होता है, वो क्या ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वो ऑप्शन नहीं है जो बाय डिफॉल्ट होता है ना रिंग वाइब्रेशन म्यूट का, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। सो गाइस मैंने कॉल मिला दी, देखते हैं यहाँ पे रिंग करता है, वाइब्रेट होता है, क्या आता है यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ओनली वाइब्रेट हो रहा है, रिंग नहीं कर रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, दैट्स इट। यहाँ पे कट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो गाइस इसके ऊपर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे वाइब्रेशन पे जाके यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे म्यूट रहेगा, कॉल आएगा, दैट्स इट। बट यहाँ पे रिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है कहीं ना कहीं, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ इसकी एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं। फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ इस वॉच का। सो गाइस काफ़ी प्रीमियम लग रही है हाथ पे तो डेफिनेटली, बट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, लाइट वेट भी है ये, देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया, 81 दिखा रहा है हार्ट रेट, 97 SP2 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो पूरा मैसेज नहीं शो करता है, मिनिमम शो करता है। यहाँ पे हार्ट रेट चेक करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे 83 शो कर रहा है, 97 SP2 दिखा रहा है, ठीक है। वैसे गाइस जिस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई ना ये वॉच, काफ़ी बेटर है। 1800 रुपये में डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसके लिए जा सकते हैं। बट दो चीज़ की कमी है, ये रोटेटेबल क्राउन होता है और मेटल का बिल्ड होता है, तो और मज़ा आता है। यहाँ पे 86 दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 82। तो गैस यहाँ पे कह सकते हो कि एक्यूरेसी लेवल उतना ज़्यादा खास नहीं है, बट यहाँ पे ठीक मिलता है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 84 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 91 पहुँच चुका है, यहाँ पे 86 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलता है। अब गैस यहाँ पे SP2 चेक करते हैं, ये रहा। वैसे SP2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, जिस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई वॉच डेफिनेटली वर्थ है। और अगर आप थोड़ा सा पैसा और डाल सकते हो तो BeatXP Vega ले सकते हो, काफ़ी बेटर रहेगी इससे, या BeatXP Vega X ले सकते हो, वो तो 2500 की मिल रही है, वो ज़्यादा ही है, बट BeatXP Vega X से ज़्यादा बेटर रहेगी। इसके साथ मैं वेगा का कंपैरिजन जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि वेगा में आपको गेम भी मिल जाता है, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिलता है और मेटेलिक डायल मिलता है। तो गाइस वेगा ज़्यादा वर्थ रहेगी, बट अगेन गाइस उसका प्राइस भी ज़्यादा है, करीब 300-400 रुपये ज़्यादा है उसका प्राइस, और ये आपको 1800 में मिल रही है, वो 2200 रुपये मिल रही है। तो 400 रुपये में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वेगा में, मेटल का डायल, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, और रेस्ट वे के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी काम करता है वेगा में, ठीक है। तो गाइस ये थे डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग BeatXP Vega Neo के लिए। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।